हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। पहला तो है ये टैरो, फिर है लव मैसेजेस, एंड एंड में हम देखने वाले हैं स्टार लाइट ओरेकल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन करना हमेशा कंटिन्यू रखिए। जनरल रीडिंग है, सो कुछ बातें कनेक्ट हो भी सकती हैं, कुछ बातें नहीं भी। ओके, टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, तो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, सबसे जरूरी बात है कि चॉइसेस हमारे हाथ में होते हैं, सो चॉइसेस के ऊपर ध्यान दें। लेट्स कनेक्ट टू इट। जहाँ पर भी राशियाँ एप्लीकेबल होती हैं, हम कोशिश करते हैं राशियों के बारे में बताने की। ठीक है, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। चलो, पहला ही कार्ड मिला है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो धनु राशि। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन कार्ड। दूसरा एक कार्ड देखते हैं जो कि है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज मेष। सो ये है सिंह राशि। ठीक है, एरीज लियो सैज मेष सिंह धनु राशि। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, फोर ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यानी कि भाई मिथुन यस तुला कुंभ राशि। तो यहाँ पे टोटल हमें इतने सारे कार्ड्स मिले हैं और हम आज सिर्फ पांच ही कार्ड्स देखने वाले हैं। ठीक है, सो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेट्स कनेक्ट। देखो, पहला कार्ड मिला है स्ट्रेंथ, उसके बाद मिला है फोर ऑफ वॉन्ड्स जो कि है फायर साइन, फिर मिला है एयर साइन, फिर अर्थ साइन, और एट द एंड मिला है एयर साइन। आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो कनेक्शन बनाने के बारे में कुछ फील कर रहा है। जब भी आपके बारे में सोचता है या फिर आपके बारे में और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा उसमें तैयार होती है, तो उसे लगता है कि बहुत कुछ है जो अभी पाना बाकी है। अब तक का जो सफ़र है उसके हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक रहा, एंड यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो डेफिनेटली आप दोनों ने हिम्मत तो दिखाई है। तो हाँ, एक तरह से हम आप दोनों के लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेटेड बोल सकते हैं। क्या दोनों ने ही काफ़ी अच्छे तरीके से अब तक का यहाँ तक का जो फासला है वो तय किया है। सबसे ज़रूरी होता है सही समय पे सही डिसीजन लेना, और हर कोई ये कर पाए ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया है, कुछ सही डिसीजंस लिए हैं, जिसके कारण अगर आप यहाँ भी अभी हो तो ये काफ़ी सही बात है। साथ ही में इसको मिला है फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो देखो इसका जो मोटिव है वो काफ़ी क्लियर है। ये इस रिश्ते को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता है, एंड यहाँ पे बात आती है कमिटमेंट की। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो ये दिखावा नहीं है, ना ही ये पर्सन टाइम पास कर रहा है, उसके हिसाब से एक सीरियस चीज़ है और ये सीरियसली ही इसको डील करना चाहता है। देखो, ये वक्त ऐसा होता है जब हम काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या होगा नेक्स्ट। इस पर्सन के हिसाब से कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपके लिए भी यही कह रहा है कि कमिटमेंट सिर्फ इनकी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, और ये उनके लिए काफ़ी सही बात है। फोर ऑफ वॉन्ड्स में ये देखते हैं कि भाई आपकी तरफ से भी कनेक्शन बन रहा है, और मे बी आप भी इनको सक्रिय सपोर्ट कर रहे हो, जो इनके हिसाब से काफ़ी सही बात है, जिसको लेके ये परेशान बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज एट द एंड जो इनको कहना है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये जब भी इनको मौका मिलता है ये आपको मोटिवेटेड करते हैं या फिर आपको ढेर सारे मैसेजेस भेजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए होता है बिकॉज उसे इस रिश्ते को किसी भी तरीके से थमने नहीं देना है, बल्कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कोई इशू है या फिर कोई डाउट है, चाहे फिर वो यूनिवर्स के बारे में हो कि यूनिवर्स सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, या फिर आप दोनों के बारे में हो कि आप दोनों एट द एंड क्या डिसीजन लोगे, और भी कई सारे फैक्टर्स है, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, ऑफिस है, आपकी फैमिलीज है, तो ये पर्सन चाहता है कि आप बोल चाल के वो सारे जो इशूज़ है वो सुलझाए, और ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा आपको सपोर्ट करने की। बिकॉज हमें दिख रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कभी कभी ना हम किसी इशू के बारे में डिस्कस तो कर सकते हैं, बट अगर आपने कहा कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करो तो ये मुमकिन नहीं होता। जैसे कि मान लो अगर आपके फैमिली का कोई इशू है और ये अभी तक ऑफिशियली आपने अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं कराए हैं, तो ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प ऑफिशियली नहीं कर पाएंगे। यही बात तो बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं या फिर कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो इनके लाइफ में हो सकते हैं, आपके लाइफ में भी
कि जिनको शायद आप दोनों ही मिलकर डील नहीं कर सकते, ठीक है, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब सब चीज़ें सही हो जाएंगी या फिर ऑफिशियली आप एक दूसरे को जानने लगोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, ये वो कह रहे हैं। हालांकि एट द एंड कार्ड जो मिला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो, इस पर्सन का मेन मोटिव है आपका दिल जीतना, और सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का दिल जीतना, और ये यहाँ पे कोशिश करता हमें दिख रहा है। मतलब देखो, ये कोई अड़म्बर नहीं मचा रहा है, नहीं कह रहा कि भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो यू नो मैं न्यूसेंस क्रिएट करूँगा, नहीं, ये बस सबको बता रहा है कि मेरे दिल में क्या है। अगर ये आपको पसंद करता है तो क्यों पसंद करता है, उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आप दोनों अभी तक रुके हो तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अभी तक आप रुके हो? क्या आप भी सोच रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी तक आनी चाहिए या फिर सबका जो है वो सपोर्ट मिलना चाहिए? तो जो भी जितनी भी सारी बातें हैं ये उनके बारे में सोचते हैं, और जब मौका मिलता है आपके साथ डिस्कशन करने का तो आई थिंक ये रेडी रहते हैं आपको बताने के लिए कि ये क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई इशू है तो डेफिनेटली आप इनसे बातचीत कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस। पहला ही कार्ड मिला है जो कि है योर केयर एंड कम्फर्ट मी वेन आई एम इन अ बैड मूड। ये काफ़ी अच्छी बात है, कह रहा है कि भाई जब भी ये बैड मूड में होते हैं, ख़राब मूड में होते हैं, तो आप हमेशा इनको सपोर्ट करते हो, तो ये एक रीज़न है क्यों ये आपके ऊपर इतना डिपेंड रहते हैं, ठीक है। सेकंड है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। इनको पता है कि चाहे जो भी हो जाए आप दोनों मिलकर किसी भी इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो भी ईजीली, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर दिखती है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड होता हुआ हमें नज़र आता है। साथ ही में थर्ड कार्ड है जो कि है यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। यस, इनके हिसाब से भाई आप ही वो व्यक्ति हो जो एक्चुअली दुखों से डील करता है, या फिर इनका जो दुख है वो आप हर लेते हो, तो एक अच्छी बात है। एक कपल के लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम होता है जब कोई दूसरा कोशिश करता है आपको तकलीफ ना हो। इसके लिए नेक्स्ट कार्ड है आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। हाँ, ये पर्सन आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए हुए हो, और आप दोनों को ही एक दूसरे का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखते हैं यहाँ पे स्टार लाइट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है, लेट्स गो। पहला ही कार्ड मिला है जो कि है बाउंड्रीज, पुट अ रिंग अराउंड योर सेल्फ एंड योर एनर्जीज। तो यहाँ पे पहली बात आती है बाउंड्रीज की। तो अगर आपको लग रहा है कि ये इशू है या फिर व्हाट अबाउट बाउंड्रीज, तो शायद कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा है, और इसलिए कह रहा है कि कहीं कहीं पे बाउंड्रीज लगाना काफ़ी ज़रूरी है। बाउंड्रीज मतलब क्या, कि एक ऐसा पहरा या फिर एक ऐसी सीमा जिसको आप यू नो पार नहीं करोगे। ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आई थिंक आप एक लिमिट सेट करके रख रहे हो खुद के लिए या फिर अपने प्यार के लिए, ताकि आप दोनों को ये समझ में आ जाए कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे कि यूनिवर्स ने अगर आपके सामने कोई पहेली ला दी और मान लो इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो क्या आप सेक्रीफाइस के लिए रेडी हो? यू नो, ये चीज़ आपको खुद को पूछनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक कार्ड आ गया है जो कि है आउटर स्पेस, टेक द टाइम टू हील ग्रो एंड एक्सपार्ट। मैं ये कह रहा है कि भाई इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हील होना। तो हर दिन जो है जब वो ज़्यादा सोचता है, कुछ चीज़ें महसूस करता है, तो अपने जीवन में और ज़्यादा गहराई से सोचने लगता है, ये खुद को और ज़्यादा हील करता है और ज़्यादा समझने की कोशिश करता है कि भाई क्या है, बिकॉज हर चीज़ हम जाने और हमें समझे ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है कार्ड जो हम लेते हैं यहाँ पे, जस्ट मिनट, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। यस, दो कार्ड आ गए आई थिंक। ये पहला कार्ड है न्यू हॉराइजंस, ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स, एंड नेक्स्ट कार्ड है टेक चार्ज, यानी कि डोंट वेट फॉर द स्टार्स टू अलाइन, रीच अप एंड अरेंज them the way you want। तो दो कार्ड आ गए। पहला तो कभी अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ रहे हो या फिर पुराने तरीके से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो शायद चीज़ें हल नहीं होने वाली, इस बात का भी ध्यान रखिए। साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई टेक चार्ज, मतलब हर वक्त जो आपके हाथ से निकल रहा है तो ऐसे में आपको ही यू नो चार्ज करना पड़ेगा, मतलब आपको ही अब चीज़ें हाथ में लेनी पड़ेगी। कई दफ़ा हम कहते हैं कि नहीं भाई यूनिवर्स हमें साइन देगी, या फिर शायद यूनिवर्स ने पहले ही साइन दिए हैं लेकिन आपने शायद देखे नहीं या फिर देखना भूल गए। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि समय आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सही समय है आपके लिए, तो आप उसके अनुसार आप सोच सकते हो उसके बारे में। जैसे कि मान लो अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे बात करनी चाहिए,
फैमिली से आप कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई इनको कुछ क्वेश्चन करने चाहिए इनकी रिलायबिलिटी की, क्या सच में इनके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये सब आप उसके थ्रू जान सकते हैं। सो विथ आई होप इट विल रेजोनेट।